ATDS ओपन 2020 में नयन सुगंध को दोहरा खिताब मिला है। दो IAS और दो IPS की मौजूदगी में प्रतियोगिता का समापन हुआ। कलेक्टर बोले, जल्द ही खंडवा में अंतर जिला ओपन टूर्नामेंट आयोजित करेंगे। पिछले एक सप्ताह से टेनिस में चल रहे रोमांच के एक अध्याय का शुक्रवार देर रात समापन हुआ। अचीव टेनिस डेवलपमेंट सोसाइटी और खेल विभाग द्वारा आयोजित ATDS ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट के चौथे दिन सिंगल के तीन और डबल्स का एक मैच खेला गया। टूर्नामेंट संयोजक खेल और युवा कल्याण विभाग के टेनिस कोच अमीन अहमद ने बताया कि टूर्नामेंट के अंतिम दिन नयन सुगंध ने अमित दुबे को 7-5 से, दूसरे मैच में प्रखर चौहान ने अनय द्विवेदी पर 7-2 से जीत दर्ज की। सिंगल फाइनल में नयन सुगंध ने प्रखर चौहान पर बेस्ट ऑफ 3 मिनट से मुकाबले में 1-4, 4-2, 4-1 से जीत दर्ज की। डबल्स फाइनल मुकाबले में अनय द्विवेदी और नयन सुगंध की जोड़ी ने तनिष्क टोकसे और इतिश जैन की जोड़ी को 6-0, 6-3 से हराया। अंतिम दिन 4 मुकाबले खेले गए। यह मैच रात करीब 11 बजे तक चले। टूर्नामेंट में अचीव टेनिस डेवलपमेंट सोसाइटी खंडवा ATDS की ओर से विजेता, उपविजेता, अनुशासित और सर्वाधिक सहयोगी खिलाड़ी के साथ सभी खिलाड़ियों को सहभागिता ट्रॉफी प्रदान की गई। समापन पर मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विवेक सिंह थे। साथ में IAS श्रेयांश कुमुट और IPS ऋषिकेश मीणा के साथ वरिष्ठ प्रशिक्षक शेख रशीद मौजूद थे। संचालन प्रफुल्ल मंडलोई ने किया। टूर्नामेंट के समापन कलेक्टर अनय द्विवेदी ने कहा कि इस टूर्नामेंट ने उनके साथ ही सभी खिलाड़ियों में नई ऊर्जा का संचार किया। खेल के इस माहौल को आगे बढ़ाते हुए जल्द ही खंडवा में ATDS ओपन 2020B का आयोजन किया जाएगा। खंडवा से ब्यूरो प्रीतम लखवाल की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।